ओम, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये तो हमें पता है कि 75% तक मतदान जो है राजगढ़ में हुआ है, सबसे ज्यादा मतदान हुआ है पिछले साल से भी, ये पिछली बार से भी ज्यादा हुआ है, लेकिन अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो कहाँ पर कैसा रहा मतदान प्रतिशत? मैं बता दूं, पूरी जो विधानसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है सारंगपुर विधानसभा में हुआ है। यहाँ पर 75.88 यानी 76% मतदान हुआ सारंगपुर विधानसभा में। सारंगपुर विधानसभा की यदि बात करें तो एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है ये। तो यहाँ पर जो वोटिंग है वो कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि वहाँ जो वर्ग है ज्यादातर जो है एससी वर्ग है, राजपूत वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है, इनकी जो वोटरों की संख्या काफी अधिक है। दूसरा है चाचोड़ा, चाचोड़ा में हुआ है 66.21, 66.21%। राघोगढ़ में हुआ है 72.38, नरसिंहगढ़ में 68% हुआ है। इसके बाद ब्यावरे की बात करेंगे तो यहाँ 71.89% हुआ है। राजगढ़ प्रॉपर की बात करेंगे, राजगढ़ विधानसभा की, तो 74.36, खिलचीपुर में जो है 73.38 और सुसनेर में 72.5। यानी कुल मिला के देखेंगे तो सारंगपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है पूरी संसदीय क्षेत्र में। जी बिल्कुल, यानी कि 75% वहां पर हुआ है और कांग्रेस जो है वहां पर थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, ऐसा आप कह रहे हैं। अजय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह अब आपने प्रतिशत जान लिया कि कहां पर क्या हुआ है, किस ओर अब ये इशारा कर रहा है ये जो बड़ा हुआ मतदान है? देखिए, अभी जिन जैसे ओम जी बता रहे थे कि जिन दिव्य सिंह के जो प्रभाव क्षेत्र हैं उनमें वोटिंग काफी हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दिव्य सिंह जी का पलड़ा यहाँ भारी होगा। निश्चित रूप से ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि मतदान का बड़ा प्रतिशत कोई बहुत स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या करना तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन ये जो खास इलाके हैं जहां पर दिव्य सिंह जी का विशेष प्रभाव रहा है, वहां पर वोट काफी बड़ा है, तो इसका मतलब ये कि वोट देने लोग निकले हैं, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो वहां दिव्य सिंह को इसका फायदा हुआ होगा। वैसे तो ओवरऑल सभी विधानसभा सीटों में अच्छा वोटिंग हुआ है वहां पर, तो इसका मतलब ये कि टफ फाइट बहुत टफ है और दोनों पक्षों ने काफी मेहनत की होगी, क्योंकि रुडबल नागर जी के सामने भी अपने अस्तित्व को, राजनीतिक अस्तित्व बचाने का सवाल है। तीसरी बार वो मैदान चुनाव मैदान में है, तो दिग्विजय सिंह के सामने तो सवाल है कि उनकी, उन्होंने खुद ही कहा कि उनकी आखिरी पारी है। अगर ये चुनाव हार गए वो, तो उनका एक तरह से राजनीतिक करियर ही समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से दोनों तरफ से बहुत जमकर मेहनत हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी अगर आकलन करें तो मेरे ख्याल से दिव्य सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है हल्का सा, लेकिन ये फाइट बहुत टफ है। मतलब अगर हम बहुत बारीकी में जाएं, क्योंकि उसका उसका कारण है कि मतलब जो मैं मानता हूं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी थी, वो 3.25 लाख वोटों से हारी थी रुडबल नागर से। तो दिव्य सिंह जी को जो हालांकि बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी उनको ये मेहनत तो करनी पड़ी होगी कि वो 3.25 लाख का जो गैप है वो तो पहले भरें, उसके बाद तो फिर जीत की तरफ जाएंगे। और वोटों में करीब 2% का की बढ़ोतरी दिख रही है उसके अंदर, तो निश्चित रूप से दिव्य सिंह ने काफी मेहनत की, तो हो सकता है उनको इसका लाभ मिले उसको।